जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर महिलाओं को जो है अब नई सुरक्षा मिलने वाली है। दरअसल महिलाओं के लिए पुलिस जो है अलग से सी स्क्वाड नामक एक स्क्वाड जो है बनाने जा रही है। छेड़छाड़ होने पर इसके खिलाफ तुरंत एक्शन जो है पुलिस जो है करने वाली है। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक नया दस्ता यानी कि सी स्क्वाड जो है बनाने जा रही है। महिलाएं युवती या कहीं से भी कंट्रोल रूम में छेड़खानी या फिर दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें करेंगी तो यह दस्ता जो है तुरंत एक्टिव होगा। और अफसरों के मुताबिक इस दस्ते को किसी भी मौके पर 10 मिनट के भीतर टास्क दिया जाएगा। इस स्क्वाड में प्रभारी से लेकर के सिपाही तक पूरी टीम महिला पुलिसकर्मियों की रहने वाली है। SP को सूचना देने के बाद इस दस्ते को कहीं भी छापेमारी के लिए स्वतंत्र रूप से रखा जाएगा। राजधानी में अब वैक्सीनेशन की तैयारियां जो है जोरों शोरों पर हो चुकी है। इसके अलावा रोजाना जो है राजधानी में 2000 महामारी के टीके लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के लिए 20 बूथ बनकर के तैयार हो चुके हैं। बिरगांव में एक बूथ ऐसा होगा जहां पर रोज 100 लोगों को टीके लगने वाले हैं। राजधानी में महामारी के असली वैक्सीनेशन यानी कि टीके लगने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रायपुर शहरी क्षेत्र में 20 वैक्सीनेशन बूथ लिस्ट फाइनल कर दी गई है, जबकि एक टीकाकरण केंद्र बिरगांव में बनने वाला है। रायपुर शहर में हर दिन 8 घंटे की शिफ्ट में सब मिलाकर के 2000 लोगों को टीके लगाए जा सकेंगे। इसके लिए पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 19 स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया है तय कि आखिरकार भाजपा सांसदों का घेराव जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस करने वाली है। किसान आंदोलन के लिए 1 किलो धान और 1 रुपए जो है ये लोग जमा करने वाले हैं। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन बीते दिन किया गया था, जिस पर ये मंत्रणा जो है सामने निकलकर सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक ली है कांग्रेस की। इसके अलावा भाजपा को किसान विरोधी इन्होंने बता दिया है। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस भवन में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था बीते दिन रविवार शाम तक चली। इस बैठक में तय किया गया है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में राज्य सरकार की कामयाबी और भाजपा की कमियां बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हैंडबिल, धान खरीदी केंद्रों में वॉल राइटिंग, इसके अलावा नुक्कड़ सभा और भाजपा सांसदों के घरों का घेराव जो है होने वाला है। प्रदेश और जिला के साथ ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है। सड़कों की तस्वीरें अब बदलने वाली है। दरअसल नो पार्किंग में अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो इसके खिलाफ जो अलार्म है तुरंत ही बजने वाला है। नए सिरे से सभी जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण जो है अब होने वाला है। दरअसल राजधानी के एक पुलिस अफसर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के तकनीक के इस्तेमाल के बाद एक ऐसा उपकरण ईजाद किया है जो कि नो पार्किंग में गाड़ियों के घुसते ही शोर मचा देगा। अर्थात जैसे ही नो पार्किंग लॉट में कोई भी गाड़ी जो है कोई भी व्यक्ति करता है तो वहां लगे लाउड स्पीकर से घोषणा शुरू हो जाएगी कि गाड़ी जो है गलत जगह पार्क कर दी गई है और इसे तुरंत हटा लिया जाए। पहला सिस्टम जयस्तंभ चौक स्थित किरण बिल्डिंग के सामने वाली जगह पर लगने वाला है। पुलिस का दावा है कि विकसित राज्यों में ही अभी इस तरह का कोई सिस्टम शुरू नहीं हो पाया है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए नो पार्किंग जोन पर स्पेशल कैमरे लगने वाले हैं। ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर ने यह सिस्टम डेवलप किया है। दरअसल पुलिस अफसरों को DGP DM अवस्थी ने टास्क दिया है कि कुछ ऐसे हाईटेक सिस्टम डेवलप होने चाहिए जिससे बिना पुलिस के ट्रैफिक जो है अपने आप कंट्रोल हो सके। ऐसे में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल जो है छत्तीसगढ़ पुलिस करने जा रही है। कृषि बिल के विरुद्ध यहाँ पर विरोध की तैयारियां जो है लगातार उभरती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कृषि बिल के खिलाफ 1000 किसान जो है 7 तारीख को दिल्ली जाने वाले हैं। 8 से लेकर के खेती बचाव यात्रा ये जो किसान है करने वाले हैं। दरअसल किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के 1000 किसान 7 जनवरी को दिल्ली जाने वाले हैं। रविवार को कचहरी चौक स्थित मंथन हॉल में आयोजित छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े संगठन की बैठक में यह निर्णय ले लिया गया है। इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया है कि 4 जनवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच होने वाले यानी कि हो चुके बैठक के बाद यदि तीनों कानून वापस नहीं लिए गए, अभी तक तो कानून वापस नहीं लिया गया है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून नहीं बनाया गया तो अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन का समर्थन देने के लिए 1000 किसान जो है दिल्ली जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ से।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें देखने के लिए, रोजाना खबरें पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को भी जरूर से दबा लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सीधे आप तक पहुँचती रहे। छत्तीसगढ़ में मौसम अपडेट की बात करें तो पाकिस्तानी हवाओं के कारण जो है छत्तीसगढ़ का मौसम बदलता हुआ नजर आया है। आसमान में बादल छाए रहे हैं, इसके अलावा सामान्य से लेकर के 4 डिग्री अधिक जो गर्म है वो हवा हो चुकी है। मध्य पाकिस्तान और कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक जो कम दबाव का क्षेत्र है निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटे में तापमान के और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी हवाओं ने छत्तीसगढ़ तक का मौसम बदल दिया है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के आसमान पर मध्यम स्तर के बादल छा गए हैं। वहीं हवा का न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 5 डिग्री बढ़ गया है, इसकी वजह से सर्दी का एहसास थोड़ा सा कम भी हो चला है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का एक ऐसा कारनामा जो है निकल कर सामने आया है जिसे देख करके लोग भौचक्के हो रहे हैं। दरअसल बाइक में फंस करके एक अंगूठा कट गया था, दूसरी उंगली का स्किन जो है इस अंगूठे पर डॉक्टरों ने जोड़ दिया, जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं बताया जा रहा है। दरअसल राजधानी के सरकारी DKS अस्पताल में 20 साल के युवक की घटना के कुछ घंटे बाद यह सर्जरी कर दी गई। बाइक को स्टार्ट करने पर उसकी सफाई करते हुए एक 20 वर्षीय युवक का अंगूठा चेन में आ गया था। जब तक वह संभल आता तब तक उसके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा कट चुका था। रायगढ़ में हुए इस हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती अंगूठे से बह रहे खून के बहाव को रोकने व उसे पहले जैसी स्थिति में लाने की थी। दरअसल युवक के परिवार ने राजधानी के निजी अस्पताल व सरकारी अस्पतालों से संपर्क करना शुरू किया और यहां के शासकीय DKS अस्पताल में पहुंचते ही सर्जरी कर दी गई। अंगूठे के पास वाली उंगली की स्किन लेकर के उसके कटे हुए हिस्से को भरा गया और पहले ही जैसा उसको बना दिया गया। सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की टीम का कहना है कि अगर समय रहते यह सर्जरी नहीं होती तो अंगूठे में मांस की जगह सिर्फ बची हुई हड्डी खराब हो सकती थी, फिर यह ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों के लिए एक ताली जो है सल्यूट बनता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उनकी तारीफ भी कर सकते हैं। धान खरीदी को लेकर के एक और विवाद जो है निकल चला है, जिसके बीच विवाद के बीच जो बीच का रास्ता है वो यहाँ पर इख्तियार किया गया है। छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन जो चावल है वो यहाँ पर केंद्र खरीदी करने वाला है। CM ने कहा है कि उम्मीद है कि भविष्य में और चावल लेने की भी स्वीकृति मिलने वाली है। दरअसल केंद्र ने नाराजगी के बावजूद आखिरकार 24 लाख टन धान का उठाव करने की अनुमति दे दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य के अलावा राजीव न्याय योजना के तहत अतिरिक्त राशि किसानों को दे रहा है, जिसे केंद्र सरकार बोनस मान रही है और इसे ही लेकर के विवाद पूरी तरीके से ठन गई थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा की है। इसके बाद ही रविवार को केंद्र ने फैसला किया है कि FCI अब 24 लाख टन धान का उठाव करने वाली है। यानी कि अब हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि उनकी जो भी धान खरीदी है वो यहाँ पर अब बाधित नहीं होने वाली है। एक मिसाल के रूप में हमारे मंत्री जी का जो आप लोगों का करिश्मा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुके ये जो विधायक कुलदीप जुनेजा है, ये ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुके, लेकिन जब इनके घर पर ई चालान आया तो ये जो है स्वयं फाइन भरने पहुँच गए। कहा नियम सबके लिए समान होना चाहिए। तो ये जो है हमारी तरफ से इनको सल्यूट है। रायपुर के उत्तर विधानसभा से विधायक कुलदीप जुनेजा बताए जा रहे हैं, जो कि शहर की ट्रैफिक पुलिस के कैमरों की मदद से लोगों के घर भेज ये जो चालान है वो चालानी कार्रवाई करी जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने का खामियाजा अब रायपुर की उत्तर विधानसभा से विधायक कुलदीप जुनेजा को भुगतना पड़ा है। शहर के एक चौराहे पर सिग्नल को अनदेखा करने की वजह से उन्हें ई चालान उन्हें घर पर भेज दिया गया उनके, लेकिन फाइन की रकम जमा करने के लिए विधायक स्वयं जो है यातायात पुलिस के दफ्तर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि नियम जो कानून है वो सबके लिए एक ही होना चाहिए, जो अपने आप में एक अच्छी खबर निकल कर सामने आती है कि हमारे मंत्री विधायक भी कुछ हद तक जागरूक भी है। नक्सलियों पर शिकंजा जो है लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस कसता हुआ नजर आया है। बीजापुर में 1 लाख रुपए का इनामी जो है नक्सली गिरफ्तार किया जा चुका है। शिक्षकों को बंधक बनाकर के स्कूल में तोड़फोड़, इसके अलावा लूट और अपहरण में ये जो नक्सली है शामिल बताया जा रहा है। उसूर थाना पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्यवाही मारूड़बाका के क्षेत्र में घेराबंदी करके इस नक्सली को पकड़ा गया है। पकड़ा गया नक्सली DKAMS अध्यक्ष है। इसके अलावा पुलिस ने भी 10,000 का
का इनाम इस पर घोषित किया था। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में ये जो नक्सली कार्रवाई है की गई थी, जिस पर जो कड़ी कार्रवाई की गई थी, इसके बाद जो भी सफलता है छत्तीसगढ़ पुलिस को हासिल होने में नजर आई है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। तस्करों से चीन भेजा जाने वाला एक ट्रक लाल चंदन जो है बरामद किया गया है। ताबड़तोड़ छापों में 56 लाख की लकड़ी जो है जब्त की गई है। दरअसल आपको बता दें कि शुरुआत में रायपुर में छापेमारी रायपुर से की गई थी। लकड़ी तस्करी की मुहिम जो है पूरे प्रदेश भर में अब चलने वाली है। लगातार शिकायतों के बाद शासन के निर्देश पर वन विभाग ने लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है और पूरे प्रदेश स्तर पर ये जो कार्यवाही है की जानी है। ऐसे में राजधानी रायपुर में शनिवार को पड़े छापे में लगभग 35 लाख रुपए से भी ज्यादा की लकड़ी जब्त की गई है। इसमें एक ट्रक लाल चंदन रक्त चंदन भी शामिल बताया जा रहा है। धान खरीदी पर लगातार राजनीति जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच गर्माती जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा महासचिव पुरेंद्रेश्वरी के दावे को झूठा बताया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि केंद्र ने एक रुपए तक की मदद नहीं की है, जबकि डी पुरेंद्रेश्वरी ने धान खरीदी के लिए केंद्र से 9,000 करोड़ के मिलने का दावा किया था। इस पर मोहन मरकाम ने कहा कि वह केंद्र का पैसा नहीं है, मार्कफेड ने कर्ज लिया है जिसे वही पटाने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की राजनीति बेहद गर्मा गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने रविवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद से राज्य सरकार किसानों का धान भी ठीक से नहीं खरीद रही है। इस दावे पर कांग्रेस भड़क गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि डी पुरेंद्रेश्वरी का दावा सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरीके से इनकी बातों को झूठा बताया है। छत्तीसगढ़ में महामारी के अपडेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सीएस अमिताभ और पीसीसीएफ चतुर्वेदी समेत कुल 714 संक्रमित बताए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में पीएचक्यू में पदस्थ डीएसपी की मौत इस महामारी की वजह से संक्रमण की वजह से बताई जा रही है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो रायपुर जिले के 161 समेत पूरे प्रदेश स्तर पर 714 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 14 लोगों की मौत भी इस महामारी की वजह से बताई जा रही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को भी जरूर से दबा लेना है, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सीधे आप तक